और ये दो दिन का मामला है, हम जो मैनिफेस्टो अपना निकालेंगे उसमें सारी चीज़ों की बात होगी। हम लोग स्वाभाविक दोस्त हैं, स्वाभाविक मित्रता है हमारी, हम सब लोग मिल करके इनको परास्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आज खड़ा है और बिहार अगुवाई कर रहा है पूरे देश को बचाने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं अजय शुक्ला। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तो एक तरफ बढ़ी गई है, वहीं राबड़ी आवास के बाहर कौतूहल तेज हो गया है। जी हां, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई कि लवली आनंद भी तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद हमारे संवाददाता आलोक वहां पहुंचे और उन्होंने जगदानंद सिंह से बातचीत की। जगदानंद सिंह ये साफ कह रहे हैं कि एक से दो दिन या तीन दिन रुक जाइए, उसके बाद सभी सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा, सभी टिकटों के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा, किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन कौन उम्मीदवार होगा, इन सब का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो दूसरी खबर वहीं ये भी है कि वाम दलों ने भी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सहमति जता दी है। जी हां, कई खबरों के हवाले से आप ये देख पा रहे होंगे कि वाम दलों को लेकर खबर चलाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वाम दल अभी भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब इस खबर पे मुहर लग गई है कि वाम दलों ने भी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है और हामी भर दी है उनके नेतृत्व को लेकर के। सबसे पहले आप आलोक की रिपोर्ट देखिए। 10 अक्टूबर रोड राबड़ी देवी के आवास के बाहर जगदानंद सिंह हो या सीपीआई के नेता हो, वो तमाम नेता आज एकजुट हुए और सीपीआई ने साफ साफ कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो है वो मंजूर है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और ऐसे में जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि एक दो दिनों के अंदर हम सीटों का ऐलान कर देंगे और साथ साथ उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगदानंद सिंह, उन्होंने साफ साफ ये बातें कही हैं, मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे और उसके बाद जगदानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। और यह औजार बिहार के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, दलितों, महादलितों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों को कैसे हमारी गाँव की पूरी आबादी की रक्षा हो सके और बिहार अगुवाई कर रहा है पूरे देश को बचाने के लिए चुनाव, बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी ताकत आप देख रहे हैं कि हमारे सभी वामपंथी साथी, प्रगतिशील साथी जो दंगाइयों और उन्मादियों के खिलाफ सदा से लड़ते रहे हैं और लालू जी का जिनको मार्गदर्शन सबको मिलता रहा है, हम लोग स्वाभाविक दोस्त हैं, स्वाभाविक मित्रता है हमारी, हम सब लोग मिल करके इनको परास्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आज खड़ा है, हम सभी खड़े हैं। आज की बात इतनी ही है। सीटों की कब तक घोषणा हो जाएगी? और ये एक दो दिन का मामला है, सब हो जाएगा जब एक साथ हम लोग बैठ के उस दिन हम लोग स्वागत आपका करेंगे, पूरी सूची आपको देंगे। केवल सीटों की संख्या नहीं होगी बल्कि किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, सभी हम जो मैनिफेस्टो अपना निकालेंगे उसमें सारी चीज़ों की बात होगी और सभी लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए इन दंगाइयों को भगाने के लिए, बिहार को बचाने के। तो सुना आपने, जगदानंद सिंह ये साफ कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर जल्द ही राजद अपना पत्ता साफ करेगी, महागठबंधन में चल रही खींचतान जल्द ही दूर हो जाने वाली है, 2 से 1 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।